हेलो एवरीवन वेलकम आज हम डिस्कस करेंगे द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश हमने इस टॉपिक को तीन भागों में किया है डिवाइड पार्ट नॉर्थ एजेंसी नेफा पार्ट टू यूनियन टेरिटरी पार्ट थ्री स्टेटहुड सो लेट्स गेट स्टार्ट गाइस दिटी ऑफ यंदाबू एन अरुणाचल का हिस्ट्री को समझने के लिए ओरिजिन को समझने के लिए हमें जानना है कि क्या है इस वार में the हार गए थे ब्रिटिशर्स जीत गए थे और इस और इस हार के बाद इस ट्रिटी में बर्मिस ने प्रोमिस किया कि वो आज से कोई भी क्लेम नहीं करेंगे आसाम के ऊपर एंड द ब्रिटिशर्स

प्रॉब्लम्स भी होते थे, थे, तो इसको रोकने के लिए इसको सॉल्व करने के लिए एक स्मूथ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इसको पास किया गया और ये इनर लाइन इफेक्टिव हुआ इन द लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम ऑन 30th सितंबर 1875 द अबाउट एक्सपेडिशन 1911 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एपिसोड ये एक्सपेडिशन क्यों हुआ बिकॉज़ नोएल विलियमसन एंड डॉ ग्रेगरसन का मर्डर किया गया था इन द कोमसिंग विलेज अंडर फंगी सर्कल ऑफ पसीगत सब डिविजन बाई दाइब्स और इस हादसे के बाद द ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक मिलिटरी एक्सपीडिशन भेजा अंडर द कमांड ऑफ मेजर जनरल और मतमूर जामो द मेन कलप्रीट को पकड़ा जेल ले गया और बाद में उसे हैंग किया गया एंड ही इज टूडे रिगार्डेड एज द फर्स्ट फ्रीडम फाइटर फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश और जो उनके बाकी दोस्त थे मकबूल जम्मों के उन्हें भी अरेस्ट किया गया जेल ले गया लेकिन उन्हें आफ्टर फ्यू इयर्स रिहा किया गया द नॉर्थ ईस्ट फ्रंट ट्रैक्ट इस हादसे के बाद द ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा कि सम काइंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नॉट टोटल और फुल बट लूज काइंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जरूरी है इस हिली एरियाज में इस इस ट्रैवल एरियाज को तो इसीलिए द फॉरेन एंड पॉलिटिकल डिपार्टमेंट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नोटिफिकेशन जारी किया कि सम हिल एरियाज कुछ हिल एरियाज ऑफ दरांग एंड लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ असम को सेपरेट किया जाएगा और इस सेपरेटेड हिल एरियाज का नाम दिया जाएगा नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर और इस नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर को एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए तीन भागों में डिवाइड किया गया था द सेंट्रल एंड ईस्टर्न सेक्शन द लखीमपुर फ्रंट्रैक्ट एंड सेक्शन आप मैप में यहां पे देख सकते हैं यह है वेस्टर्न से इन ही जगहों का एक नया नाम फिर दिया गया द सेंट्रल एंड ईस्टर्न का नाम चेंज करके सदिया फ्रंट अट्रैक्ट सेक्शन को चेंज करके बालीपरा ट्रैक और जो लखीमपुर किया गया आप, uh, see, uh, में आप देख सकते हैं ट्रैक सादिया सर्दिया ट्रैक एंड दिस इज द लखीमपुर फ्रंटर ट्रैक 1943 में तिराप फ्रंटर ट्रैक को क्रिएट किया गया फ्रॉम सर्टेन एरियाज ऑफ लखीमपुर फ्रंटर ट्रैक एंड सदिया फ्रंटर ट्रैक 1946 में बालीपरा फ्रंटर ट्रैक को डिवाइड किया गया इनटू टू एरिया सेला सब एजेंसी एंड सुबनसिरी एरिया लेट्स सी इन द मैप सेला सब एजेंसी एंड सुबनसिरी एरिया एंड यस यहाँ पे है आपका तिरा फ्रंटर ट्रैक 1948 को सदिया ट्रैक को भी बाइफर्केट किया गया मतलब डिवाइड किया गया इनटू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन एरिया डिस्ट्रिक्ट एंड मिसमी हिल्स डिस्ट्रिक्ट चलिए मैप में देखते हैं यहाँ है अबोर हिल्स डिस्ट्रिक्ट एंड यहाँ है मिसमी हिल्स डिस्ट्रिक्ट असम फ्रॉन्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस रेगुलेशन 1945 ये एक ऐसे रेगुलेशन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इससे पहले देर वॉज नो कॉमन लॉ रेदर कम्युनल लॉ मतलब अरुणाचल में उस नॉर्थ ईस्ट उस टाइम के नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर फ्रेक में जितने भी ट्राइब्स थे उनके अपने थे, अपने अपने कानून थे सिस्टम ऑफ जस्टिस थे वॉज नो कॉमन लॉ द द्रिटिशर्स पहले तो इसे इग्नोर करते थे लेकिन बाद में वो इग्नोर नहीं कर पाए बिकॉज देर वेर मेनीस क्राइम्स लाइक मर्डर किडनेप रेप एंड अदर्स तो so, सभी ट्राइब को एक कॉमन लॉ ऑफ जस्टिस के अंदर लाने के लिए फॉर इट्स स्मूथ एडमिनिस्ट्रेशन एक रेगुलेशन पास किया गया और ये, ये और ये वही रेगुलेशन है इस रेगुलेशन का एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि द इंस्टीट्यूशन ऑफ गांव बुरा का इंट्रोडक्शन इधर से ही इसी रेगुलेशन से हमें मिला द इंस्टीट्यूशन ऑफ गांव बुरा एजेंसी का थोड़ा बैकग्राउंड को हम देखते हैं कि हमें कैसे मिला ऑक्यूपाई कर चुके थे लाइन विच वॉज द बाउंड्री बिटवीन टिकीब चाइना एंड इंडिया जिसका वजह से हमारा भारतीय जो सरकार है वो थोड़ा चिंता में पड़ गए तो 1951 में ट्विनसंग वाज़ क्रिएटेड एज़ अ सेपरेट डिविजन इन द नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर डिस्ट्रिक्ट फिर 1954 में द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने एक रेगुलेशन जारी किया द नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एरियाज एडमिनिस्ट्रेशन रेगुलेशन 1944 ताकि फुल एडमिनिस्ट्रेशन चालू कर सके इस एरिया में और इस रेगुलेशन के साथ ही हमें ये नया नाम दिया गया नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी और जितने भी फ्रंटियर ट्रैक्स थे उनका नया नाम दिया गया फ्रिविजन और हमें पांच फ्रिविजन्स मिला कामेंग सियांग लोहित तिरा डिवीजन एंड दे देवेर आफ्टर फाइव मेजर रिवर्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश जो हमने पहले कहा था कि 1951 में एक फ्रंटियर डिवीजन क्रिएट किया गया था उसे 1957 को नागालैंड में मर्ज किया गया चलिए मैप में देखते हैं कामिंग फ्रंटियर डिवीजन सुबनसरी फ्रंटियर डिवीजन सियांग फ्रंटियर डिवीजन लोहित फ्रंटियर डिवीजन तिरा फ्रंटियर डिवीजन और यह है आपका ट्वेंसांग फ्रंटियर डिवीजन जो कि आज हमारे पास नहीं है जो कि आज नागालैंड के पास है और यह है 1954 में जो जो नाम चेंजेस लाया गया था यहाँ आप देख सकते हैं बालीपरा फ्रंटा ट्रैक को बाइफार्किट किया गया दो में कामेंग्रट डिवीजन एंड सुबनसरी फ्रंटायर डिविजन तिरा ट्रैक का नाम दिया गया तिराग डिवीजन अबोर हिल्स डिस्ट्रिक्ट का नया नाम दिया गया सियांग फ्रंटेयर डिवीजन मिसमी हिल्स डिस्ट्रिक्ट का नाम दिया गया लोहित लोहित फ्रॉन्टेयर डिवीजन एंड जो कि नागा ट्राइबल एरिया थे उनका नाम दिया गया ट्वेंसांग फ्रंटेयर डिवीजन हेलो गाइस uh, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना और अगर अ, 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 अगर आपको कुछ हमसे कुछ और कुछ पूछना है जानना है तो प्लीज़ ही यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एटवे द निकम और अगर कुछ गलतियां हो गया और कुछ इव, कुछ कमियां हो गया तो माफ़ कर देना थैंक यू